मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर और जो हमारी सीरीज चल रही थी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में, उसमें रिटायरमेंट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आज हमारा जो कंसेप्ट चालू होने वाला है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर और हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। बेटा इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका रेशियो क्या था, प्लस वो कितने दिन तक जिंदा रहा, यानी कि उसकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। तीन पार्टनर है ए बी सी, फर्म में बी की डेथ हो गई, मान ले रहे हैं जब आपको रेशियो नहीं दे रखा तो 1:1 था, ठीक है ना। बी का जो शेयर है टिल द डेथ आपको निकालना है बेसिस ऑफ एवरेज गुडविल के हिसाब से। आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तीनों को जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है रेशियो में कन्वर्ट करना है, फिर क्या करना है कि आपको बी की जो डेथ है उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। ये है आपका टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, तीन पार्टनर है बेटा ए बी सी, 1:1, ठीक है। बी की डेथ हुई है, कब हुई है 31 अगस्त, यानी कि वो कब से अप्रैल से लेके अगस्त तक पार्टनरशिप में रहा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 5 महीने रहा। अब आपको क्या है, पहले हम प्रॉफिट निकाल लें, 3 साल का प्रॉफिट है 40,000, 50,000 और 72,000, ठीक है। देखो 40,000, 50,000 और 72,000, ठीक है, कितना आया 1,62,000, डिवाइड कर दो 3 से, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना है 54,000 है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसका रेशियो कितना था, 54,000 × 1/3 करा सर, कितना आया 18,000। कितने दिन वो जिंदा रहा, 18,000 × 18,000 × कितना हुआ 5/12, यानी कि कितना आया उसका शेयर 7,500। यानी कि आपसे जो बीचा है बी का शेयर जो प्रॉफिट में है कितना होगा 7,500। यहां कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, तीन पार्टनर थे, बी की डेथ हुई 31 अगस्त, यानी कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक वो जिंदा रहा 5 महीने, प्रॉफिट आपने निकाला, पहले तीनों को जोड़ा हमने, डिवाइड किया 3 से, 54,000 आया, 54,000 को उसका रेशियो था 1/3, 18,000 आया, और 18,000 से वो 5 महीने जिंदा रहा, तो यानी कि 5/12 के 7,500 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर कैसे करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो इंसान का नाम आएगा जिसकी डेथ हो चुकी है, कितना अमाउंट है 7,500। आंसर देखेंगे सभी लोग क्या आया है, 7,500, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीन पार्टनर है हरी, मोहन और सोहन, रेशियो आपको दे रखा है 2:2:1, फर्म क्लोज हो रही है 31 मार्च को, मोहन की इस बार डेथ हुई है किसी पर्टिकुलर डेट पर 24 तारीख, पहले 31 हुई थी तो पूरे महीने काउंट हो सकते थे, हम यहाँ डेज काउंट होंगे। मोहन की डेथ पर गुडविल की वैल्यू थी 75,000, ठीक है ना, उसके बाद जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या कह रही है कि उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 2,00,000। अब आपको मोहन का कैपिटल निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 57 कितना है, 75,000 की गुडविल है, रेशियो कितना है
2:1, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका रेशियो है 2/5, यानी कि 75,000 इंटू 2/5 करोगे तो ये आएगा आपका 75,000 इंटू 2/5 करोगे तो ये आएगा आपका 30,000। ये 30,000 क्या है, आपकी मोहन का शेयर है गुडविल में। मोहन को कितने रुपए लाने, 30,000। अब बात आई प्रॉफिट की, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको 2,00,000 रुपए दे रखा है साफ साफ, उसके बाद रेशियो कितना है 2/5, वो दिन जिया है 143 तक, तो इसको आप क्लियर करोगे, इस सब को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 32,000, यानी कि उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 32,000। ये 2/5 तो रेशियो था, 143 डेज तक जिंदा रहा, 365 क्लियर करके ये आएगा 32,000। आंसर देख सकते हो 32,000 प्रॉफिट का, गुडविल का 30,000। तो अब तो आपका क्वेश्चन 56 हो गया और 57 हो गया, ये आपके टाइम बेसिस के क्वेश्चन थे, इनमें हमने टाइम के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट था या गुडविल था वो निकाला। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो बेटा तो आप क्या करोगे कि पार्टनर का रेशियो कितना था और पार्टनर किस दिन डेथ हुई उसके हिसाब से निकालोगे। गुडविल निकालोगे तो सिर्फ रेशियो के हिसाब से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में सेल बेसिस है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, तीन पार्टनर है एबीसी, रेशियो है 4:3:2, ए की डेथ हो गई 31 दिसंबर को, अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को एवरी ईयर, सेल्स आपको दे रखी है 2017 की, दे रखी कितनी 4,00,000, तीन और सेल जो 3,30,000 की है वो किस टाइम की है, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि पार्टनर की डेथ हुई है 31 दिसंबर को, और जो 3,30,000 की सेल है वो भी इसी के बीच की है। प्रॉफिट जो हमें हुआ था 2017 में वो हुआ 60,000 का, तो क्या हम ऐसा कर लें कि प्रॉफिट का रेशियो निकाल लें, रेशियो के हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 58, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, 3,30,000 का जो है केस वो सेल आपकी इसी टाइम की है, यहां कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक चीज समझो, अगर मैं 3,30,000 को पिछले साल की सेल 4,00,000 से डिवाइड कर दूं इनटू 100, यानी कि मेरा वो रेशियो आ जाएगा कि प्रॉफिट हो कितना रहा है, ये आ जाएगा मेरा 82.5%। अब प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 60,000 का, 60,000 का 82.5% निकालोगे तो ये आएगा बेटा 60,000 इंटू 82.5 49,500, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 49,500, रेशियो कितना था बेटा 49,500 इंटू 4/9, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22,000, यानी कि आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है 22,000 आ रहा है। तो बेटा ये तो आपके तीन टाइप के, दो टाइप के थे, एक टाइम बेसिस और एक सेल बेसिस। सेल कितना हो रहा है उसमें क्या करो, जो इस साल की है जिस साल पार्टनर की डेथ हुई है उसे ऊपर, पिछली साल की सेल्स नीचे इंटू 100, ये तो आ गया प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट कितना हुआ पिछली साल 60,000, तो 60,000 का 82.5% क्यों किया, क्योंकि इतना परसेंट इसी साल का है, 3,30,000 इसी साल का है, तो इसलिए हमने निकाल लिया 49,500, रेशियो में बांट दिया 22,000 आ गया, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट डिसीज पार्टनर। एंट्री आपको मालूम ही है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR 2, जिस पार्टनर की डेथ हुई है ए। तो बेटा आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 56 किया, 57 किया और 58 किया। नेक्स्ट वीडियो में 59 आपका जो डिसीज पार्टनर अकाउंट है, एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में समझेंगे, है ना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो बेटा वीडियोस को लाइक करना, अच्छे से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। बेटा अभी जो स्कीम चल रही है मेंबरशिप के लिए, प्लीज जितने बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए उनके लिए बेनिफिट है, काफी सारे बेनिफिट है और वन टाइम फी है ओनली 250 रुपीज, ठीक है ना। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।